इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 4 जनवरी के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। फ्रांस के महान शिक्षाविद लुई ब्रेल का जन्म आज ही के दिन 1809 में हुआ था। इन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो दृष्टिहीनों को शिक्षा का उजाला देने का जरिया बनी। उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। देश दुनिया के इतिहास में 4 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1642 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने 400 सैनिकों के साथ संसद पर हमला किया था। दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने में मदद देने वाली लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म आज ही के दिन 1809 में हुआ था। लुई 3 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे थे। प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा का जन्म आज ही के दिन 1892 में हुआ था। खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि अयोध्या प्रसाद खत्री का निधन आज ही के दिन 1905 में हुआ था। आज ही के दिन 1906 में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। 1906 में आज ही के दिन किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी थी। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार का जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली का निधन आज ही के दिन 1931 में हुआ था। आज ही के दिन 1932 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बिलिंगडन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया था। 1951 में आज ही के दिन चीन के सुरक्षा बलों ने कोरियाई युद्ध के दौरान सियोल पर कब्जा किया था। भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश T.S. ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 1952 में हुआ था। आज ही के दिन 1958 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा था। हिलेरी ने अपनी टीम के साथ खराब मौसम में करीब 113 किलोमीटर की यात्रा की थी। भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म आज ही के दिन 1965 में हुआ था। आज ही के दिन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद में शिखर बैठक की शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने शिरकत की थी। 1972 में आज ही के दिन नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के वयोवृद्ध साहित्यकार पत्रकार एवं इतिहासकार झाबर मल्ल शर्मा का निधन आज ही के दिन 1983 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लेखक नाबिला जमशेद का जन्म आज ही के दिन 1988 में हुआ था। आज ही के दिन 1990 में पाकिस्तान में 2 ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर में 307 लोगों की जान चली गई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार राहुल देव वर्मन का निधन आज ही के दिन 1994 में हुआ था। आज ही के दिन 1908 में अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।